मैनूथ यूनिवर्सिटी, द पब्लिक कॉलेज ऑफ आयरलैंड मैनूथ, ऑर्डिनरी नोन एज अ मैनूथ यूनिवर्सिटी. मैनूथ कॉलेज वाज लेड आउट इन 1997. मैनूथ इज पोजिशन 888 ऑन द प्लेनेट ऑफ फर्स्ट इन आयरलैंड. इट इज सेट 801-2000 QS University World Ranking by 2023. Mannuth College is positioned 1198 in the best world universities. Mannuth College is positioned 501 in the world college ranking by Times Higher Education. The acknowledgement rate or acceptance rate at this Mannuth College is 73%. बात करते हैं इसके requirement के बारे में. Intermediate students are not eligible for direct entry. बट दे कैन अप्लाई अगर आपके पास इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स हैं या 75% मार्क्स हैं, लाइक आपके फर्स्ट ईयर में 75% मार्क्स हैं और इंटर में 70% मार्क्स हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम. फाउंडेशन करने के बाद ईयर वन की डिग्री ले सकते हैं. अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप इंटरमीडिएट के 2 years की डिग्री कर सकते हैं, बैचलर्स बी ए बी कॉम वगैरह, उसके बाद आप ईयर वन में अप्लाई कर सकते हैं. वैसे अदरवाइज इंटर के स्टूडेंट नहीं एलिजिबल. अगर इंटरनेशनल बैचलर की बात करें आईबी वालों के लिए मिनिमम 35 से 32, लाइक 32 टू 35 मैक्स रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम 32 मैक्स 35. ए लेवल्स में ए स्टार से लेकर डबल ए या ट्रिपल बी तक, ट्रिपल ए तक मैंने देखा है कि आपको रिक्वायर्ड हैं ग्रेड्स. मिनिमम जो मुझे ग्रेड मिला है एंट्री रिक्वायरमेंट में इनके सब्जेक्ट के ऊपर वो ए डबल बी मिला है. इससे नीचे अगर किसी के ए लेवल्स में ग्रेड्स हैं तो दे डू नॉट अप्लाई, दे वोंट एक्सेप्ट यू और ऑफर यू. पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो 4 years बैचलर्स की डिग्री आपसे रिक्वायर्ड है, जिसमें आपके पास 80% फाइनल रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने बिजनेस डिग्री अगर आपने की है तो आपके पास 75% तक हुए तो ये यूनिवर्सिटी आपको बिजनेस डिग्री प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लेती है. ऑल अदर प्रोग्राम्स के लिए आपके नैन मिनिमम 80% मांगे गए हैं. बात करते हैं इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में. IELTS 6.5 ओवरऑल आपसे रिक्वायर्ड है, कोई ईच कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. वैसे ऑन स्टैंडर्ड 6.0 तक ही आपसे कंसीडर की जाती है, किसी एक में 5.5 भी है तो स्टिल एक्सेप्टेबल है फॉर अंडर ग्रेजुएट. टॉफिल अगर बात करें तो ओवरऑल 92 मांगा गया है. पोस्ट ग्रेजुएट में जो आइल्स मांगा गया वो 6.5 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच कंपोनेंट और इक्विवेलेंट. और अगर टॉफिल की बात करूँ तो वो ओवरऑल 95 मांगा गया है. नजर डालते हैं इसकी ट्यूशन फीसिस के ऊपर. अंडर ग्रेजुएट जो आर्ट्स की डिग्री है उनकी फीस है 13,500 यूरो पर एनम. बिजनेस की जो भी डिग्री है उनकी 14,000 से लेकर 15,000 पर एनम यूरोस के बीच में आती हैं तमाम बिजनेस की डिग्री. सेम इंजीनियरिंग भी 14 से लेकर 15,000 यूरोस पर एनम पे आती हैं. बेसिस ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 13,500 यूरो है. हेल्थ साइंसिस की डिग्री भी 15,000 यूरो में है और लॉ की डिग्री भी जो है आपको 14,000 यूरो में मिलती है. नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, साइकोलॉजी और साइंसिस की तमाम बेसिस की डिग्री भी 15,000 यूरो पर एनम में ऑफर होती है. पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो ऑल पोस्ट ग्रेजुएट आर ऑफर्ड बिटवीन 14,000 टू 15,000 यूरो इन बिटवीन. अब आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम ले लेंगे आपको इतने ही बीच में मिल जाता है. डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में. दे डू ऑफर स्कॉलरशिप, दिस इज कॉल्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप. इसका जो वैल्यू ऑफ अमाउंट है वो 2,000 यूरो पर एनम है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहां आप जाके इसकी तमाम डिटेल्स ले सकते हैं या मेरी स्क्रीन पे भी तमाम डिटेल्स आ रही होंगी. 2,000 यूरो तक की स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें नॉन ईयू वाले एलिजिबल हैं. आज होता क्या है कि ईयर वन की जो आपकी ट्यूशन फीस होती है इसमें इस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाता है. आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है, या मेरी वेबसाइट पर जाएं तो वहां भी आपको अप्लाई करने का सारा तरीका मिल जाएगा. सेकेंड स्कॉलरशिप अगर मैं बात करूं तो दिस इज कॉल्ड टॉट पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप. इसका जो वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो 2,500 यूरो पर ईयर का है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. ये स्कॉलरशिप आप समझेंगे 3 faculties के ऊपर ही ऑफर की जा रही हैं, जो आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आओगे या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है और कौन कौन सी फैकल्टीज हैं जिस पे आप 2,500 यूरो तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं. और एक और बात, ये मास्टर जो टॉट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप हैं, तमाम रिसर्च बेस्ड वाले नहीं है, तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है. ओनली टॉट बेस्ड स्कूल ऑफ बिजनेस इसके अंदर शामिल है जिसको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है. जो थर्ड स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप. इसका जो वैल्यू अवार्ड है वो 2,000 यूरो पर एनम का है, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन. ये बिजनेस वालों को ऑफर हो रही है और बिजनेस के अगर बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं जो आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा तो 2,000 यूरो तक का स्कॉलरशिप उनको मिल जाता है. बट तमाम बिजनेस के प्रोग्राम नहीं, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर आप जाएंगे. ये तो तमाम प्रोग्राम्स, ये 4 programs ये बेसिकली बिजनेस इंटरनेशनल फाइनेंस आईटी, इन 4 programs के ऊपर ही बेसिकली ये अप्लाई करना है और इन्हीं पे ये 2,000 यूरो की स्कॉलरशिप मिलती है. क्राइटेरिया मीट करते हैं तो सेपरेटली अप्लाई करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली 2,000 यूरो आपको मिल जाता है.